मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही नई चीज, बहुत ही स्पेशल चीज जो कि मैंने पहली बार देखा है और आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो अभी ये पानी है, तो ये नहीं है सरप्राइज चीज, मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी जो जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, ये पानी ना बहुत ही कोल्ड है, 5 डिग्री रहेगा इसका टेम्परेचर। और हम 1 मिनट से ज़्यादा मैं इसमें पैर डालूंगी ना, पैर एकदम सुन्न हो चुके हैं मेरे। और ये पानी जो है स्रोत का पानी है, और ये देख सकते हैं आप, ये पानी का जो कनेक्शन है नीचे तक गया हुआ है, और ये ऊपर पहाड़ी से पानी बहते हुए आ रहा है, नेचुरल पानी जो है बहते हुए आ रहा है। और यहाँ से होते हुए जो ये कनेक्शन है, जो आपको ये झोपड़ी दिखाई दे रही है, यहाँ पर इसको कनेक्शन फिट किया हुआ लोगों ने। और वैसे आपको डरने वाली बात नहीं है, जो ये छाया दिख रही है ना, वो मेरी ही छाया है, जो कि धूप लगी हुई है और वापस वो छाया मेरे को फोकस कर रही है। और ये जो लकड़ी का जो बना हुआ है ना, बहुत बड़े जो पेड़ को चीर के इन्होंने लकड़ी का नल टाइप का बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज है, इनके लैंग्वेज में इसको बोला जाता है पदालो। और देख सकते हैं पानी का एकदम फोर्स, बहुत अधिक फोर्स है पानी का। और ये क्योंकि इन लोगों को यहाँ पर काम करने के लिए ये पानी का फोर्स होना बहुत ज़रूरी है, जितना अधिक पानी का फोर्स होगा और उतने अधिक जल्दी मतलब इन लोगों का काम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो है ना नीचे जो झोपड़ी है, उसके अंदर कनेक्शन बनाया हुआ है इस पानी से। अब हम चलते हैं मेन पॉइंट में, तो जो हम लोग देखना चाहते हैं। तो ये देखिए, अब ये है कनेक्शन, और ये पानी, और पानी है जो नीचे की तरफ बह रहा है बहुत ही फोर्स में, और नीचे इस झोपड़ी के मतलब जो है घास की झोपड़ी दिख रही है, इसके अंदर कनेक्शन बनाया हुआ है। इसके बाद एकदम सरप्राइज चीज है, और ये है 100% ऑर्गेनिक चक्की, और ये नेचुरल है, हैंडमेड है, और जीरो इन्वेस्टमेंट। हाँ, मेहनत ज़रूर लगी हुई है इसको बनाने में, बहुत मेहनत लगी होगी दोस्तों, क्योंकि ये एकदम हैंडमेड है। और ये जो चक्की चल रही है, पूरा पत्थर का जो गोल घूम रहा है, वो पूरा पत्थर का यानी कि स्टोन का बनाया हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें ना अभी इन्होंने यहाँ पर रागी पीस रही है, जो कि हम मंडुआ भी बोलते हैं उसको, वो पीस रही है। आप कुछ भी अनाज पीसना चाहते हैं तो आप इसमें पीस सकते हैं। और ये जो बैठे हैं, रात भर यहाँ पर चक्की पीस रही थी, सोई भी नहीं है, इनकी आंखें देख से पता चल रहा है कि इनकी आंखें सो चुकी है। और कुछ भी अनाज पीसना होता है इन लोगों को, और लकड़ी से इन्होंने एक बर्तन टाइप का बनाया हुआ है, जो कि रस्सी से बंधा हुआ छत में, इसमें कुछ भी आप डाल के चले जाओ, और इस पवन चक्की को चलने में कम से कम आप 20 किलो आप आटा पीसना चाहें, कोई भी अनाज पीसना चाहें, आपको कम से कम 24 घंटे इसमें छोड़ना पड़ता है। ये लोग क्या करते हैं, पूरे गांव वाले बारी बारी से, मतलब इन लोग का जैसे 2 दिन इन्होंने ले लिए, फिर 2 दिन किसी और ने ले लिए, पूरे एक गांव का यही चक्की है, और इसमें पीसते हैं सभी तरह के अनाज। और आप देख सकते हैं, ये है रागी के दाने, दिख रहे हैं ना ब्लैक कलर के छोटे छोटे दाने, और ऊपर से धीरे धीरे खुद ही गिर रहे हैं हवा के फ्लो से, और पानी का जो फोर्स है, फ्लो है, उससे खुद ही ये पवन चक्की घूम रही है। और इन्होंने नेचुरल तरीके से बनाया हुआ लकड़ी का बर्तन भी बनाया हुआ है। और ये अनाज जो है ना, जब जब इसकी रोटी बनती है, वाह, बहुत ही स्वादिष्ट रोटी बनती है, क्योंकि ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, हैंडमेड है, जीरो इन्वेस्टमेंट है। तो मैंने आज पहली बार ये गांव में आने के बाद मैंने ये वाली पवन चक्की देखी। उसके बाद ये देखिए, और आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये देखिए पानी का फोर्स आ रहा है, बहुत ही जोर से फोर्स। जो मैंने आपको लकड़ी का नल दिखाया था, वही नल है जिसमें कि पानी आ रहा है बहुत जोर से, फ्लो बहुत स्पीड में आ रहा है। जितना पानी स्पीड में ज़्यादा आएगा, जितनी तेज़ हवा चलेगी, उतना ही जल्दी इन लोगों का अनाज पीसेगा। यही पवन चक्की है, यही स्पेशल चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती थी। और ये लकड़ी का बनाया हुआ है बर्तन टाइप का, उसमें अनाज डाला जाता है, और वहाँ से अनाज जो है ना धीरे धीरे नीचे की तरफ बहता है, मतलब गिरते रहता है। और ये पवन चक्की कम से कम आपको ये 10 किलो आटा पीसने में पूरा 24 घंटा, मतलब पूरी रात भर और दिन भर इसको चलाना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रागी के दाने डाले हुए हैं, और यहाँ से रागी धीरे धीरे नीचे गिरते रहता है, और ये पीसते रहता है। और जो ये पवन चक्की, और ये जो है इसमें सामान रख, इसमें मतलब जो भी अनाज आपको पीसना होता है इसमें डाला जाता है, और छत में ऐसे बांधा हुआ है किसी मोटी रस्सी के द्वारा, और यहाँ पर लोग खुद काम करते हैं। और कुछ पीसना होता है उनको रात भर यहाँ पर चला के छोड़ देते हैं, और दूसरे दिन आके ये सामान अपना रिसीव कर लेते हैं। एकदम नेचुरल चक्की है और हैंडमेड है, और इसी से यहाँ पर ये लोग इसी से काम करते हैं, और हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा है।
और आप देख सकते हैं, और इनको कोई भी अनाज यहाँ पर पीसना होता है वही अनाज यहाँ पर ये लोग डाल देते हैं, और दूसरे दिन आप आके देखते हैं तो इनके जो अनाज है वो पीस चुके होते हैं। मतलब यहाँ के लोगों का मतलब यही नेचुरल खाना यहाँ पर खाते हैं, और इन लोग की जो मतलब हेल्थी होते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यही जो सरप्राइज चीज़ थी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और आगे के वीडियो में और बहुत सारी नई नई चीज़ें मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।